सबसे पहले तो मैं आपको इनकी जो ये टमाटर का जो इनका इशू है ना, जिसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई है, इसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, हर एक पूरे साल के 12 महीने हर एक फल हर एक सब्जी अवेलेबल नहीं होती। जब आप ऑफ सीजन में आप सब्जी की डिमांड करते हैं तो यकीनन उसको थोड़ा सा जब मार्केट में एक चीज अवेलेबल नहीं होती तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस जो है वो राइज कर जाती है, वो रेस कर जाती है। इसलिए टमाटर महंगे, और वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि हम इतने शुरू से अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी इस मौसम में टमाटर बहुत महंगे हो गए। ऐसा नहीं है कि पूरा साल कोई महंगाई का एक हवा खड़ा हुआ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब्जी टमाटर फल सब हर पूरा साल उनकी एक प्राइस नहीं होती, अप्स एंड डाउन आती रहती है। इसको इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि अपोजिशन की तमाम पॉलिटिक्स बीमारियों के घिर घूम रही है। आप अपनी आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप कोई अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करें, कोई आप मनी ट्रेल दें, कोई आप लोगों को साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। आप अदालतों से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक जवाब है अदालतों से रिलीफ लेने का, वो है आपकी बीमारी। क्या आपके पास ये 30-32 साल 35 साल जो आप दोनों पार्टियों ने हुकूमत की है, क्या इनके पास और कुछ नहीं है कि वो लोगों को भी दिखा सके और सिंपति हासिल कर सकें, या लोगों को का फेवर ले सकें, या आवाम उनकी तरफ से रुजू करे? क्योंकि इनके पास तो बेचने को कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ कार्ड है जिसको ये मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, और कभी ये टमाटर को हवा बनाते हैं। फिर पिछले दिनों इनकी सारी एक्सपेक्टेशन मौलाना फजलुर रहमान साहब से थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे तो बस हुकूमत तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इनके बारे में न्यारे हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके बीच कोई इत्तेफाक नाम की कोई चीज तो है नहीं।